Hello everyone, I'm Manahil Sama and I work in Ace Luxury Immigration Solutions. Main yahan pe senior immigration consultant hoon and it's been 3 years since I'm working here. So aaj hum baat karenge how to get Canada immigration. जैसे कि आप सबको पता है कि मैनी पीपल मूव अब्रॉड, लोग काफ़ी बाहर जा रहे हैं, कुछ लोग अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग अपने बेटरमेंट के लिए जा रहे हैं. लास्ट ईयर भी पाकिस्तान से 7 से 7.5 लाख लोग माइग्रेट किए थे और इस साल 9 से 9.5 लाख अभी तक इस साल की हिस्ट्री बता रही है. बहुत सारे लोगों का मानना है, कहना है कि अपने मुल्क को छोड़ के जाना इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट हमें अगले इंसान की जद्दोजहद का नहीं पता, हमें अगले इंसान का नहीं पता कि वो किस क्राइसिस से गुजर रहा है. पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान में बहुत से लोग डिग्रीज़ ले लेते हैं, बहुत से लोग बैचलर्स, मास्टर्स, PhD करके भी 50,000-60,000 की जॉब्स कर रहे हैं. आई थिंक यही एक ड्रॉबैक है पाकिस्तान का, जिसकी वजह से लोग जो है बाहर मूव कर रहे हैं. सो एवरीबडी हैव देयर ओन सिचुएशन. आई थिंक रादर टू ब्लेम देम, वी शुड अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन. सो आज हमारे साथ हैं मिस्टर ताश्वीन सुहेल अब्बास गोंदल. लोगों को बताएं, आप खुद एक प्रोफेशनल हैं, पर्सन हैं, आप खुद एटलीस्ट ऑन द फ्रंट आए एंड लोगों को बताएं कि व्हाट आर द यू नो डिफरेंट सॉल्यूशंस फॉर द कनाडा इमिग्रेशन. सो आज हम उनके मुतल्लिक, उनके अर्ली लाइफ के बारे में बात करेंगे, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करेंगे. सो अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप खैरियत से? जी आई एम गुड जी. सर बहुत शुक्रिया. जज़ाकअल्लाह. आज हम आपसे बात करेंगे रिगार्डिंग टू योर पर्सनल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ. बिल्कुल डेफिनेटली जी, क्यों नहीं, लोगों को पता होना चाहिए. डेफिनेटली लोग आते हैं, अगर जो वन बाई वन पूछते हैं, डेफिनेटली उन सबको भी पता होना चाहिए. सो इसमें एक स्ट्रगल होती है, चीज़ें होती हैं डे बाई डे. सो लोगों को पता होना चाहिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस फील्ड में हैं और कब से आए हैं. ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल है हमारे क्लाइंट्स को नॉलेज में होनी चाहिए. एग्जैक्टली सर, हम बात करेंगे कि आप आपका ब्रॉट अप कहाँ पे हुआ, आप एग्जैक्टली किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं. आपने सिटी ऑफ लाइन सुना है, शेरों का शहर सुना तो हुआ है. कौन सा शहर है शेरों का शहर? मंडी. डेफिनेटली मैं मंडी बहुत दिन से हूँ जी. आपका अपना इंटरेस्ट था या भाई? काम वो करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो. सो हमेशा काम आप वही करें. अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, डेफिनेटली आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आप की एक लगन हो या आप वो अपने खुश दिल से कर सकते हो. सो मेरा भी इमिग्रेशन में शुरू से लगाव था, आज तक नहीं बल्कि मैट्रिक इंटर से. सो मैं इन चीज़ों के बारे में जानता हूँ. हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है ना, सरगोधा, मंडी बहाउद्दीन, झेलम या गुजरात, गुजरावाला जो 7 सितंबर डिवीजन के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, इन सब में बड़ा ट्रेंड है इमिग्रेशन का, लोग जाते हैं. सो मैं देखता भी था इलीगल वे से वो जाते हैं. सो इस कंसेप्ट को दूर करने के लिए सबसे पहले तो मेरे भाई वो इमिग्रेशन फील्ड में, देन फिर मैंने भी डिसाइड किया क्यों ना हम इस फील्ड को अडॉप्ट करें, इस फील्ड में जाएँ. जो लोग इलीगल वे से या इन गलत रास्तों से या ये डिफरेंट वे से आप विजिट ले के आप इमिग्रेशन लें या ये करके आप इमिग्रेशन लें, सो क्यों ना हम उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जिस पे वो डायरेक्ट इमिग्रेशन ले सकें पाकिस्तान से, चाहे वो बिजनेसमैन है अपना बिजनेस मूव कर सकें, या इंडिविजुअल हैं, कोई जॉब होल्डर हैं, या कोई भी वो जॉब करते हैं पाकिस्तान में, उनका बिजनेस है, तो वो बिजनेस के साथ या अपने फैमिली के साथ कैनेडा, यूके, यूएस, स्पेशल हम कैनेडा, यूके, यूएसए को डील करते हैं. इन कंट्री में अगर आप मूव होना चाहते हैं इमिग्रेशन के, तो हमारी इमिग्रेशन लॉ फर्म, देखिए हम पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड लॉयर हैं, हम यूके में भी रजिस्टर्ड लॉयर हैं, अटॉर्नी हैं, वहाँ पे भी हम प्रैक्टिस करते हैं, बरिस्टर सॉलिसिटर हैं, हम यूएसए में प्रैक्टिस करते हैं, कंसल्टेंट नहीं हैं हम, ना हम कोई एजेंट है, ना हम कोई कंसल्टेंट है, और हम कैनेडा में भी लॉयर हैं, बरिस्टर हैं, सॉलिसिटर हैं. हमारी इन चारों कंट्री में, दुबई में, हालांकि दुबई में भी हमारा मेन एक ऑफिस है बिजनेस बे में, हम वहाँ पर भी रजिस्टर्ड हैं. सो हम इन सब कंट्री में रजिस्टर्ड हैं और हम हमारे पास लाइसेंस हैं, ताकि अगर क्लाइंट का किसी ना किसी वे से
कोई लूप होल आता है, कोई रिजेक्शन आती है या उसके डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कोई इसको इशू होता है, तो हम थ्रू कोर्ट, थ्रू JR, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू सारी चीज़ें हल कर सकते हैं। आई थिंक इफ़ यू हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर लीगल लॉयर्स, प्रॉपर कंपनी हो जो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकती हो, तो आई थिंक आपका इमिग्रेशन प्रोसेस जो है बड़ा स्मूथली चलता है। बिल्कुल, ये देखें अभी तो बात कर रहे हैं, मेरे क्लाइंट्स को भी पता है, जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं या मेरे क्लाइंट्स हैं, कंपनी के ओवरऑल क्लाइंट्स हैं, सबको पता है, हमारे बैकग्राउंड के बारे में पता है, हमारी एजुकेशन के बारे में पता है और हम क्या काम करते हैं भी पता है। अब आप कहेंगे कि सक्सेस स्टोरीज बताएं, अगर मैं कहूँ 0% है, ये 100% है, उससे तो काम नहीं चलेगा ना। Exactly. अब कोई भी बता सकता जी आपके जी इस डॉक्यूमेंटेशन सामने आ जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताता हूँ हमारा आज भी 2 वर्क परमिट अप्रूव हुए, ये आप देख सकते हैं, ये वर्क परमिट है इनसाइड कैनेडा, लोगों ने तो यहाँ उल्लू बनाया हुआ है, ये वर्क परमिट हो गया अप्रूव्ड, ये LMIA और ये वर्क परमिट इनसाइड कैनेडा होते हैं, जो कैनेडा में लोग होते हैं, अगर आप कैनेडा में गए हुए विजिट वीजा पे किसी भी स्टेटस में, अगर आपको कैनेडा में LMIA चाहिए, कैनेडा में वर्क परमिट चाहिए, वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आप यहाँ से अगर विजिट वीज़ा लेते हैं, पहले तो आपका होगा नहीं, जिनके जेन्युइन है डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ उनका होता है। अच्छा, आई हैव सीन पीपल हु टेक द शॉर्टकट्स, दे से दैट हम विजिट वीज़ा लगवाते हैं हम कनाडा चले जाएंगे, और आई हैव सीन मेनी पीपल दैट विजिट वीज़ा के बेसिस पे दे हैव लाइक डिस्ट्रॉयड देयर ओन प्रोफाइल, बिकॉज पीपल डोंट नो हाउ टू फाइल दैट वीज़ा, और वो शॉर्टकट क्विक की बेसिस पे और इस स्कैम्स की बेसिस पे पढ़ के अपना पूरा प्रोफाइल ख़राब कर देते हैं। सो आई थिंक रादर के आप एक शॉर्टकट को देखो और उसकी बेसिस पे अपनी प्रोफाइल ख़राब करो, आप जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो, बिकॉज इमिग्रेशन इज़ अ थिंग जो आपके को बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, ठीक है, और इसमें बेसिकली आपकी होल लाइफ डिसीजन इन्वॉल्व है। देखिए, आप जब से यहाँ पे वर्क कर रही हैं इस इमिग्रेशन सॉल्यूशन के साथ, कितने क्लाइंट्स हैं जो हमारे पास सबसे पहले आते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कहते हैं यार नहीं ये बजट हमारे बजट से आउट है, डेफिनेटली बंदे का एक हैवी बजट लगता है इमिग्रेशन में, सब कहते हैं हमारे पास शॉर्टकट ये है, हम उस दिन उसको बताते हैं कि यार आपके पास ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आपका विजिट वीज़ा नहीं होएगा, लेकिन वो इधर उधर से अनऑथराइज डीलर से कंसल्टेंट से विजिट वीज़ा करते हैं और वो उनका रिजेक्ट हो जाता है। कितने क्लाइंट्स हैं जो हमारे पास इस तरह आया है, हम उनका वर्क परमिट भी नहीं कर सकते, फिर हमें वेट करवाना पड़ता है उनको 2-2 साल, क्योंकि प्रोफाइल चेंज होने में भी 1-2 साल तो लगते हैं। अब बिजनेसमैन हो डेफिनेटली फिर करने में 1-2 साल लगते हैं, उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आज विजिट वीज़ा, अब विजिट वीज़ा लेने के लिए आपको यहाँ तो एक स्पेशल आपके अच्छी जॉब हो, 4-5 लाख सैलरी हो, आपकी पार्ट टाइम बिजनेस हो, या आपका बिजनेस हो, बिजनेस 8-10 लाख अमाउंट मिनिमम आपको अच्छी इनकम आती हो एवरी मंथ, फिर आप होते हैं और कहाँ किसी के पास डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, 100 में से कोई 5 क्लाइंट होंगे जिनके पास ऐसे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, सब ये कंसल्टेंट फेक प्रोफाइल बनाते हैं, फेक बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं, सारी चीज़ें बना के सबमिट करते हैं, और डेफिनेटली अब वो कैनेडा है वो, और वो सारी चीज़ों को चेक करता है, उनका आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर है वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन को, जो एक डॉक्यूमेंट ये एक प्रोफाइल होती है ऊपर नाम चेंज कर हर बंदे का, सो सेकंड टाइम जब पहले बंदे का तो वीज़ा गया अलग, सेकंड जब वो आएगा तो सबका रिजेक्ट, सो अब वो जब दोबारा अप्लाई करेंगे ना वो वर्क परमिट कर सकते हैं, ना वो PR, ना वो इमिग्रेशन। लेट्स टॉक अबाउट द फ्रॉड्स एंड द स्कैम्स जो कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे चल रहे हैं। आई वॉन्ट टेक द कंपनी नेम्स, बट ऑफकोर्स हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स या स्टोरीज बता सकते हैं जिसकी पाकिस्तान में इतने फ्रॉड्स हैं, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? मेरे पास ना मैम सॉरी रात को मैसेज एक आया, ये वीडियो देखें। जल्द से जल्द क्लियर करें ताकि इनको रवाना किया जाए ट्रेवलिंग के लिए सर, ये आप चेक कर लें, ये इनकी मुकम्मल फाइल तैयार हो गई है और इनका ये वीजा है सर, शुक्रिया। और देखे जी वीजा पेपरों के साथ वीजा आ गया है, पासपोर्ट जमा नहीं हुआ तो वीजा आ गया। ऐसे लोग होते हैं जिनका
एयरपोर्ट वाले खुद परेशान होते हैं, पता नहीं पाकिस्तानी वहाँ फ्रॉड लगा रही है। सेकंड सुनिएगा। अस्सलामु अलैकुम सर, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं जी? सैयद इमरान उल हक बात कर रहा हूँ कनाडा टोरंटो सिटी से, कनाडा से। जी बिल्कुल सर, ये हमारे पास कनाडा के वर्क वीजा मौजूद है। मजीद सर आपको इसमें वीजा और टिकट बिल्कुल फ्री मिलेगा, और आपको भी कहता है इसमें खाना पीना रेस्ट मेडिसिन ये बिल्कुल आपको कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। और जो हमारे पास ये वैकेंसी है ये फूड पैकिंग की है और ड्राइवर की है और जो सिक्योरिटी गार्ड की है, इलेक्ट्रिशियन की है और कुकिंग की है। मजीद सर देखिए, जिस काम में भी आपको एक्सपीरियंस होगा उसी ही काम के अंदर आपको ये कहता हूँ इनकी वीजा दे दिया जाएगा, ठीक है? अभी मैं आपको कुछ इनके वीडियो और कुछ मैं आपको पिक्चरें सेंड कर रहा हूँ जो आपसे पहले दिखाने का सॉरी दिखाने का मकसद ये है कि ऐसे क्लाइंट मुझे स्पेशली कम से कम 100 क्लाइंट मुझे टच करता डेली, मैं इस वजह से बड़ा परेशान हूँ। इतने लोग अब मुझे कहते हैं वेरिफिकेशन करें सर जी, मैंने 50 लाख 60 लाख रुपए उनको पे करना है। यार पागल, पहले ये मेरे पास आ जाए, हमारे तो इतनी अमाउंट नहीं, हम थोड़ी सी अपनी लीगल फ़ीस लेते हैं, हम वकील हैं, डेफिनेटली हमें अपनी लीगल फ़ीस लेनी होती है, हम अपनी फ़ीस लेते हैं आपके ब्याह पे, आपका वर्क करते हैं। सो ये सब कुछ करवा के इतने इतने हैवी अमाउंट, करोड़ करोड़ 80-80 लाख रुपए विजिट वीज़ा कर देते हैं, जो हम तो अपनी फ़ीस लेके 500 रुपए में ब्याह को कर देते हैं, अपनी फ़ीस लेके कर देते हैं। सो ज़रूरत नहीं आपको, देखें यह वीज़ा बगैर स्टिकर के, अच्छा वो कह रहा है कि जो आप काम करें वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर, कैसे हमारे साथ लोग हैं इनमें से ना कंसल्टेंट का कोई कसूर नहीं है, हमारी आवाम ही उल्लू है। Exactly. ठीक है, अब उनको पता भी है, मैं अब 3 साल से वीडियो बना रहा हूँ, देखते भी हैं, इतने मिलियंस में हमारे व्यूज हैं, फॉलोअर भी हमारे हैं, वीडियो देख के फिर भी उनको नॉलेज नहीं आता, जो कहता है ना नहीं हो जाएगा ऐसा, वो उसके पीछे भाग जाते हैं। जो एक सीधी रास्ता बनाता है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये चीज़ें ये डॉक्यूमेंटेशन हो, ये प्रोफाइल बनाए ऐसे बनाए, ये आपको पता है जिस सी बंदे की हमने खुद प्रोफाइल बनवाई है उसे वेट करवाया, आप बैंक स्टेटमेंट बनवाए, टैक्स पे करें, बिजनेस है उसका 100% वीज़ा हुआ है श्योरिटी के साथ, या जिसके पास वो डॉक्यूमेंटेशन हुए हैं चाहे वो LMIG लेने के लिए हुए हों चाहे वो वर्क परमिट EPR के लिए, उसकी 100% होती है। डेली बेसिस पे आप लोग देखते हैं, डेली बेसिस पे मेरे क्लाइंट्स देखते हैं, पूरी टीम मेरी कॉन्फिडेंस इस चीज़ पे है कि हमारा काम 100% होता है। तो ये क्यों दूसरों के चक्कर में पड़ते हैं? हाँ, जो रजिस्टर्ड कंसल्टेंट लाए हैं उनसे करवाएं, डेफिनेट करवाएं, लेकिन इन एजेंटों के चक्कर से बचना चाहिए बिल्कुल भी। जी ओके, ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर दिया। अब हम बात करते हैं वर्क परमिट्स के बारे में। जी जी। हमारी कंपनी कौन कौन से वर्क परमिट्स ऑफर कर रही है उसके हवाले से थोड़ा सा। डेफिनेटली जो इमिग्रेशन लेना चाहते हैं उनके स्कोर पूरे होने चाहिए, जिस तरह ड्रा आपको पता है 561 पे आया, 500 पे भी था, ड्रा ऊपर नीचे होता रहता है। सो अगर उनके स्कोर पूरे हो जाए, वो बड़े कम चांस होते हैं कि बंदे के स्कोर पूरे हों। मेरे एक्सपीरियंस के रिलेटेड ना कोई पूरी प्रोफेशनल मेरी इस एक्सपेंट्री में डायरेक्ट चीज़ के स्कोर पूरे हों वो कोई 8 से 10 क्लाइंट होंगे, ठीक है, 8 से 10 क्लाइंट होंगे जिनके स्कोर ही पूरे थे। सबको स्कोर पूरे करने के लिए वहाँ से लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट लेना पड़ता है, मीन्स के LMIA वर्क परमिट जॉब ऑफर जिसे कहते हैं वो लेना पड़ता है। उनके अब स्कोरिंग होते हैं, कुछ के 50 होते हैं, कुछ के 200 होते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे। आप पाकिस्तान में एडमिन हैं तो एडमिन का मिलेगा, सुपरवाइज़र लेवल की है, ज़रूरी नहीं आप सुपरवाइज़र हैं किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में, नहीं आप सुपरवाइज़र किसी कंपनी में भी हो सकते हैं, आप मैनेजर हैं बैंक में हैं कहीं भी हैं किसी कंपनी में लॉ फर्म में, आप CEO हैं डायरेक्टर लेवल की आपकी, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हर लेवल की वहाँ पर पोस्ट के स्कोर होते हैं 50 to 200। वो आप स्कोर ले, अगर आपकी एक्सपर्टी में स्कोर कम है तो आप वो स्कोर ऐड करवाएं और डायरेक्ट PR पे कैनेडा जाएं, किसी के चक्कर में ना पड़े। अगर फिर भी स्कोर पूरे नहीं हो रहे तो फिर एक LMIA लें, जॉब ऑफर लें। LMIA होता है मीन्स के ये LMIA है मतलब कि ये आपका जॉब ऑफर है कैनेडा से अप्रूव हो चुकी है, इस जॉब ऑफर के बेस पर आप वर्क परमिट सबमिट करवाएं और वर्क परमिट पर कैनेडा जाएं, 12 मंथ का टैक्स पे करें तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इमिग्रेशन के। अच्छा सर, ये जो हमारे पास अभी हमारे अप्रूवल्स आए हैं वर्क परमिट के भी और LMIA के भी, एक अप्रूवल्स होते हैं इनसाइड कनाडा वर्क परमिट अप्रूवल्स, उसके हवाले से आप क्या मतलब उसके बारे में थोड़ा सा जरूर। जी जनाब, जितने भी गए हुए हैं ना लोग विजिट पे, ये सारे हमारे वहाँ पल्ले पड़े हुए हैं, यहाँ से गाइड होकर जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से वीज़ा लेकर जाते हैं, वहाँ पे इनके पास प्रोफाइल चेंज होती है। वर्क परमिट कौन ले सकता है बंदा, मिनिमम इंटरमीडिएट, IELTS हो, जॉब एक्सपीरियंस हो, इनके पास कुछ भी नहीं होता।
ये यहाँ पे रईस बने होते हैं, विजिट वीजा की प्रोफाइल लगा के जाते हैं, वहाँ पे बड़े जलील होते हैं। जो कैनेडा में बंदा गया ये उससे पूछे ना यहाँ पे, वो कहते हैं दूर के पहाड़ सुहाने होते हैं। सो जो कैनेडा में बंदा ये सारी डिफ़िकल्टीज उसको आ रही होती है। सो अगर तो वो कैनेडा में हो, उसके पास ये चीज़ें हो, तो हम वहाँ पे भी उसको वर्क परमिट प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ होते हैं फ्लैग पोलिंग के थ्रू, जब आप बॉर्डर पर जाते हैं वही आपको इमिग्रेशन कर देती है। कुछ को हम खुद अपने बिहाफ पे वर्क परमिट लेकर देते हैं। डिफरेंट कंपनीज है, हम लास्ट 15 ईयर से कनाडा में हैं। सो डेफिनेटली पूरे कनाडा की कंपनीज मोस्टली हमें जानती हैं। जिस तरह पाकिस्तान में है तो डेफिनेटली अब मैं नहीं कहूँगा पूरा पाकिस्तान ही हमें जानते हैं, पूरा इस्लामाबाद जानते हैं। सो मोस्टली हमें 80% लोग तो हमें जानते हैं, बाई फेस भी जानते हैं और हमारी कंपनी को भी जानते हैं। इस तरह कनाडा में भी जो इमिग्रेशन का इंटरेस्ट रखते हैं लोग, हर वो वहाँ पे बिजनेसमैन जो डेफिनेटली उसको एम्प्लॉय की जरूरत होती है, और सबसे पहले उसके माइंड में जाता है कि मुझे एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है। सो एम्प्लॉय की होती है वो सर्च करता है, डेफिनेटली हम वहाँ पे हैं, अथॉराइज भी हैं वहाँ पे, लॉयर भी हैं, और भी बड़े लॉयर हैं वहाँ पे, इंडियन बहुत है वहाँ पे, डिफरेंट कंट्रीज से बहुत है वहाँ पे। सो पाकिस्तान का जब नाम आता है डेफिनेटली एस इमिग्रेशन सोल्यूशन सबसे पहले होती है। तो वो भी हमें प्री अप्रूव्ड एलएमआई दे सकते हैं, देते भी हैं, आप डेली स्टेटस भी लगाते हैं। सो वो हमारे पास एम्प्लॉयर देते हैं एलएमआई, तो जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर उनमें आप एडजस्टमेंट ना होते हो, या इनसाइड कनाडा वो जो हम एलएमआई देते हैं आप उसमें एडजस्टमेंट ना होते हो, तो हम आपके लिए बिजनेस सेटअप कर देते हैं। डेफिनेटली हम भी वहाँ पे हैं, हमारी भी कंपनी है। अगर उसमें नहीं तो हम आपके लिए एक नया बिजनेस सेटअप करते हैं, उस बिजनेस से आपको जॉब ऑफर देते हैं। हमारा कोई ये मकसद नहीं है कि आपको जॉब लगवाएं, मंथली सैलरी दें, ना हम ये करते हैं, ना ही कोई सैलरी वाला चक्कर है। हम इमिग्रेशन आपकी करवाएंगे, चाहे वर्चुअल एलएमआई से करवाएं, चाहे एक्चुअल एलएमआई से करवाएं, डिपेंड करता है आपके एलएमआई क्या है, कि कौन सा आपको एलएमआई मिलता है। वर्चुअल भी मिले, हमारा काम है एक साल के बाद आपको इमिग्रेशन लेके देना, या दो साल के बाद, उसकी हमारी कमिटमेंट 110% जैसे यू हैव टोल्ड अस अबाउट द एलएमआईएस थ्रू द एक्सप्रेस एंट्री और डिफरेंट स्कोरिंग के एलएमआईए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और इमिग्रेशन होती है जो पाकिस्तान से जिन लोगों का एक्सप्रेस एंट्री नहीं में हो सकती, व्हाट इज़ दैट? मुझे ये बताएं हाउ मच सस्टेनेबल इज़ दैट इमिग्रेशन, एंड उससे क्या क्या बेनिफिट्स हमारी कम्युनिटी और लोगों को मिल सकते हैं अगर आप पाकिस्तान से इमिग्रेशन लो। डेफिनेटली जी, अगर आप पाकिस्तान से इमिग्रेशन लेते हैं तो सबसे पाकिस्तान से इमिग्रेशन लेने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ही होता है। आप पाकिस्तान में हैं, वहाँ पर देखें आप जाएंगे, अगर आप वहाँ पर विजिट वीज़ा पर चले गए इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, तो बड़ी डिफ़िकल्टीज आ जाती है, वहाँ पर आपको काम नहीं मिलता, ठीक है। तो डेफिनेट बड़े मसले हैं वहाँ पे, जो कनाडा में है लोग वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ से मैं जो भी बता लूँ वो उस चीज़ को बिल्कुल कभी भी ऑब्जर्व नहीं करेंगे। इशू ये है कि पाकिस्तान में आप हो, आपकी एजुकेशन मास्टर हो, एमफिल हो, बैचलर हो, इंटरमीडिएट हो, 6 को रीच मॉड्यूल हो आपके पास, जॉब एक्सपीरियंस हो 1 साल से 5 साल का, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एलएमआई के लिए। एलएमआई लेके देना हमारा काम है, हम आपको बिजनेस सेटअप करके दें या किसी एग्जिस्ट कंपनी में से एलएमआई दें। जिन चीज़ों की हमारी हम ये नहीं, मुझे एक माह से बड़ी चिढ़ होती है मैडम कि ये कंसल्टेंट के बाद जाते मेरे पास आते हैं क्लाइंट, सर जी डॉक्यूमेंट दे कितने परसेंट चांस हैं? अब मैं क्या बताऊँ उनको, मतलब 99% चांस भी 0 चांस, लूप होल नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहते हैं सर जी 70% चांस है वीज़ा लग जाएगा हमारा। यार 70 हो, 98 भी हो तो चांस ही है ना, चांस हमारे पास चांस को नहीं है, श्योरिटी के साथ है, 100% है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन हो तो फर्स्ट डे आपको बताएंगे आपका हो सकता है नहीं हो सकता। कोई 90% चांस नहीं, कोई 70% चांस नहीं। जो क्लाइंट्स मेरे पास उनको पता है कि मेरे सामने ये बात नहीं करनी कितने परसेंट चांस है। शुरू में जब हम ऑफिस सेटअप किया तो क्लाइंट्स डेफिनेटली आप तो यूज हो गया, सबको पता है। क्लाइंट आते सर जी कितने परसेंट चांस है सर जी वीज़ा लगने का? उनको समझाया सर 99.9% भी हो तो फिर भी वीज़ा नहीं लगता। सो 100% कोई आपको दे तो फिर ठीक है। सो हम एलएमआई 100% देते हैं, पीआर 100% देते हैं, वर्क परमिट 100% देते हैं, डिपेंड कि आपका डॉक्यूमेंटेशन ओरिजिनल हो, सारी चीज़ें आपकी हो, हमने वेरीफाई की हो तो हम आपको ले कर देंगे। हाँ अगर रिफ्यूज़ल आ जाती है डेफिनेटली लूपल हर चीज़ में होते हैं, रिजेक्शन आ जाती है एलएमआई की। सो हमारे पास काफ़ी वेज हैं, जेआर जुडिशियल रिव्यू विद इन 40 डेज हम उसका जेआर करते हैं, उसके नोट्स मंगवा के, या एलएमआई है तो ईएसडी डिपार्टमेंट ने उसकी क्या एलिगेशन क्या लगाया, उसके ऊपर कोई सैलरी का एलिगेशन लगाया या कंपनी के टैक्स का, फिर हम उसको थ्रू कोर्ट उसकी उसको रिजॉल्व करके दोबारा सबमिट करते हैं तो उसका अप्रूव हो जाता है। रिजेक्शन भी आते हैं, ये नहीं होता कि सारे अप्रूव हो जाते हैं, नो रिजेक्शन आते हैं। लेकिन हमारे हमें रिजेक्शन आने का बेनिफिट ये होता है कि पहले केस इमिग्रेशन, फिर केस हमारे और कोर्ट के दरमियान होता है, तो हम वहाँ पर लॉयर हैं, वकील हैं, डेफिनेटली
वकीलों का भी कुछ आगे पीछे होता है, कोई ऐसे नहीं है। सो डेफिनेटली हम उसको जीआर लेते हैं, जुडिशियल रिव्यू लेने के बाद। ये वकील समझ सकते हैं जो पाकिस्तान में है कि वकील क्या करते हैं। आप तो लॉयर होने के साथ साथ माशाल्लाह एक पब्लिक फिगर भी हैं, आपके माशाल्लाह काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आपके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, आपके काफ़ी फैंस हैं, और डेली बेसिस पे आई थिंक आपको लोग अप्रोच भी करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं जी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम दोस्तों का, मेरे सारे दोस्त क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट भी करते हैं, और हम इंशाल्लाह उस ट्रस्ट को कायम और दायम भी रखेंगे एनी टाइम एवरी टाइम इंशाल्लाह। जो हमारे तक क्लाइंट आ गया उसके पास डॉक्यूमेंटेशन होंगे तो श्योरिटी के साथ इंशाल्लाह एस लग्जरी इमिग्रेशन सॉल्यूशन उसको श्योरिटी पर देगी, और उसका वर्क LMI होगा, वर्क परमिट होगा, या बिजनेस इमिग्रेशन होगा। टाइम लगता है, टाइम टिकिंग है, शॉर्टकट नहीं है विजिट की तरह कि 2-3 महीने में रिप्लाई, नो। टाइम प्रोसीजर होता है, टाइम टू टाइम होता है, LMI अप्रूव होता है, सबमिशन होती है, वर्क परमिट होता है, फिर इमिग्रेशन होती है। एक्सपेंटर में चले जाएँ तो LMI, फिर IT, टाइम लगता है। टाइम का इशू क्लाइंट को नहीं बनता तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से भी उसको 100% होता है, कोई ये 70-80% वाला मेरे नज़दीक कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मुझे बताइए कि इन सारे प्रोग्राम्स में से जो हम लोग डील करते हैं, आपका सबसे फेवरेट प्रोग्राम क्या है? 3 ऐसे प्रोग्राम्स बताएं जो सबसे अच्छे आपको लगते हैं। मुझे जो प्रोग्राम कनाडा के अच्छे लगते हैं ना, जिसमें कोई इशू नहीं क्लाइंट्स को बनता, ईजी रिलैक्स हो जाता है, नंबर वन माई फेवरेट प्लान स्टार्टअप वीजा, जो कि लोगों को बड़ा ही अच्छा, क्या बात है, जो कि लोगों को बड़ा मिस गाइड किया जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी मिलेगा 15%, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। वहाँ पर रिकग्नाइज बॉडीज़ हैं, वो पेमेंट लेंगे और आपका बिजनेस अप्रूव करेंगे, कोई आपको 12% 15% रिफंड नहीं देंगे। ये एक क्लाइंट आते हैं इन्फॉर्मेशन लेके, कोई और कंपनी जब कहती है सर आपको तो इससे इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, आप जाएँ कैनेडा में तो आपको बताएंगे क्या मिलेगा। सेकेंड है मेरा एक्सप्रेस एंट्री, कोई इशू नहीं किसी किस्म का, 1% भी डाउट नहीं होता, स्कोर पूरे हैं, इमिग्रेशन लॉयर के थ्रू आप फाइल सबमिट करवाएं तो आपको IT और PR। सेकंड है मेरा इंटरनेशनल मोबिलिटी प्लान, आपका कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका बिजनेस है, बिजनेस रजिस्टर्ड है, उस बिजनेस को हम क्विकली कैनेडा मूव करेंगे और वर्क परमिट लेकर देंगे 1 साल के बाद PR। ये 3 तो फेवरेट है, बाकी ये वर्क परमिट ये टाइम टू टाइम चलते रहते हैं, कभी नकबी आ गया, कभी ओ आ गया, डबल ओ आ गया, या अप्रूव्ड LMI आ गया, डिफरेंट जॉब वहाँ पर जॉब है, लेकिन IELTS और एजुकेशन FA लाजमी। कुछ जॉब होती हैं जिनके लिए ज़रूरी नहीं होता, लेकिन वो जॉब से बड़ी मिनिमम और कम होती हैं। अगर उनके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, पहले देखें उसकी कन्फर्मेशन करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा बंदा आपको दे रहा है, आप मेरे जितने भी फॉलोअर हैं मेरे, वो दोस्त हैं मेरे भाई, मैं नहीं चाहता उनको कोई फ्रॉड लगाए या वो खुद उल्लू बने, कोई भी कोई ऐसा कोई बताता है आपको कि ये हमारे पास है फार्मिंग के, या जिस तरह मेरे पास चल रहे हैं 100 लोग डेली मुझे मैसेज करते हैं, सो आप वो हमारे साथ शेयर करें डिटेल फ्री ऑफ कास्ट, कोई उसकी कास्ट नहीं लेंगे आपसे, हम उसकी वेरिफिकेशन करके देंगे ये आपको है कि नहीं, ताकि आप फ्रॉड से बचें। एक पूरे ख़ानदान की, एक पूरे कुंबे की इतनी पेमेंट होती है जो आप करके जा रहे होते हैं वहाँ पे। सो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप एस लग्जरी इमिग्रेशन सॉल्यूशन इस्लामाबाद और कराची में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड भी आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, एंड इट वॉज एक्चुअली प्लेजर हैविंग यू विद अस। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इन्वाइट किया, जहाँ जहाँ और जब जब मेरे क्लाइंट्स को मुश्किल आएगी इमिग्रेशन के वाले से, सो मैं आप सब जितनी भी मेरी टीम है, मेरी टीम मेरा ख़ानदान ही है, जितनी मेरी टीम है सारे इंशाल्लाह आप हमारे क्लाइंट के शाना बिशाना खड़े हैं, और इमिग्रेशन में 100% उनको रिजल्ट भी देंगे। इट वाज ओवरऑल अ वेरी प्रोडक्टिव सेशन विद मिस्टर ताशवीन, सो इफ यू हैव एनी क्यूरीज, एंड अगर आपको हमसे इमिग्रेशन केसेस करवाने हैं, सो वी आर मेंशनिंग आवर कंपनी एड्रेस एंड नंबर, to do contact us for further queries and further information.